नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का आज के सेशन में। और आज का ये सेशन बहुत खास है क्योंकि आज हम आपको हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट और कंटेंट यहां देने जा रहे हैं जो भविष्य में आने वाली परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है। आश्वस्त रहिएगा। कंसेप्ट कंटेंट क्या है मैं आपको बता दूं। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा महाराजा सुहेल देव की के लिए एक मतलब वो बनाया जाना है, स्मारक बनाया जाना है, उसका शिलान्यास किया गया है। अब ये कितना महत्वपूर्ण है ये बात जानना, इसका पीछे पार्टी पॉलिटिक्स है या फिर इसका कोई ऐतिहासिक महत्व है या फिर इसके पीछे कोई तीसरी वजह है, वो मैं आपको कंटेंट देता जा रहा हूं। आपको जहां से जो भी कंटेंट उपयोगी लगे उसे नोट करते चलिएगा और क्लास के बाद में मैं ये पूरी जानकारी आपसे साझा भी कर दूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पूछने लायक भी हैं। आइए साथियों, हाल ही में मतलब काफी ज्यादा सुर्खियों में है और कहां पे सुर्खियों में है, क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताता जाता हूं। देखिए, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे कुछ बढ़िया बढ़िया मीडिया हाउसेज ने इस चीज को कवर किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सबने इनको कवर किया है। और एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ शायद आपको दिख रहा हो, इस पॉइंट को नोटिस करिएगा, राजभर समाज को जोड़ने की सियासत, ये सियासत है या फिर महाराजा सुहेल देव का पहचान दिलाने का प्रयास है, क्योंकि शब्द लिखा हुआ है ऑनर। और ये तथ्य ऐसा है जिसके बारे में अपन लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है उसमें कहीं भी इनके बारे में कंटेंट उपलब्ध नहीं था। इतिहास में ऐसा होता है कि विजेता अपना खुद का इतिहास लिखता है और इतिहास लेखन की परंपरा विजेता के द्वारा ही रही है। तो ये सारी बातें आपको आज के इस सेशन में पता चलेंगी। ये वो गेट है जिसके भीतर ये स्मारक बनाया जाना है। कहां की बात हो रही है, अब थोड़ा सा हम ज्योग्राफिकल लोकेशन पर बात करते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक जिला है जो कि आपको यहां पर मार्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस जिले का नाम है बहराइच। इस जिले का नाम है मेरे प्यारे साथियों बहराइच। और ये जो बहराइच जिला है इसके निकट ही एक अन्य जिला स्थित है जिसका नाम है श्रावस्ती। ये दो जिले एकदम पड़ोसी हैं और इन पड़ोसी जिलों की ही ये पूरी ऐतिहासिक जानकारी आपसे साझा की जा रही है। एक जिले का नाम है बहराइच और एक का नाम है श्रावस्ती। और जिन महाराज की बात की जा रही है उनके बारे में जरा इन दो ट्वीट्स को आप पढ़ें। एक है देश के प्रधानमंत्री का ट्वीट और एक है राज्य के मुख्यमंत्री का ट्वीट, जिसमें दो बातें लिखी हुई हैं। और वो क्या हैं? इतिहास की किताबों में भले ही महाराजा सुहेल देव के शौर्य और पराक्रम को सही स्थान ना मिला हो, लेकिन पूर्वांचल की लोक गाथाओं में लोगों के हृदय में वो हमेशा बने रहेंगे। ऐसे ही आप यहां देखें, भारतीय स्वाभिमान, संस्कृति, शाश्वत सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान शासक, राष्ट्र रक्षक को उनकी जयंती पर कोटि कोटि श्रद्धांजलि। मेरे प्यारे साथियों, ये सारी बातें 16 फरवरी की हैं। 16 फरवरी को महाराजा सुहेल देव की जयंती के रूप में मनाया गया था और उसी समय पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी प्रतिमा के लिए शिलान्यास किया गया था। तो इसका तथ्य यानी कि इन दोनों ट्वीट से कुछ अन्य जानकारियां जोड़ के देखा जा सकता है। अब चलिए थोड़ी ऐतिहासिक यात्रा पर चलते हैं। आप मेरे उत्तर में, अब आपको दिशाएं देखना आ चुका है, तो मेरे उत्तर में यानी मेरे ऊपर की तरफ आप इस जिले को जो कि रेड सर्कल में हमने लिया हुआ है आप इसे देखें। ये है मेरे प्यारे साथियों श्रावस्ती जिला। ये श्रावस्ती जिला कभी ये एक एम्पायर हुआ करता था, ठीक है ना। हाँ, अब हम इनके इतिहास की तरफ चल रहे हैं, आप जरा देखते चलिए। और अगर पॉलिटिकल मैप में मैं बात करूं तो यहां पर है ये श्रावस्ती। तो महाराजा सुहेल देव जो हैं ये कभी श्रावस्ती के राजा हुआ करते थे। अच्छा, तो श्रावस्ती के राजा का क्या इतिहास है, अब वो इतिहास की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, 11वीं सदी के अंदर इस श्रावस्ती में, अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो हम इस जगह की बात कर रहे हैं, नेपाल से लगता हुआ ये जो बॉर्डर है ना, इसकी बात की जा रही है। अब आप इस बॉर्डर को यहां पर मैच करें, इधर देखें आप, तो 11वीं शताब्दी में हमारे पास ये जो मैप है ये 1042 का है, इसे 11वीं शताब्दी कहते हैं। अगर ये 1142 होता तो 12वीं शताब्दी कहलाता। 11वीं शताब्दी में आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा गजनवी एम्पायर। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि गजनवी एम्पायर कुछ इस दिशा में बढ़ रहा था। अगर आप इसे वर्तमान लोकेशन में देखें तो आपको ये लखीमपुर खीरी और ये वाला जो क्षेत्र है बहराइच वाला, इसकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, गजनवी एम्पायर जब यहां बढ़ रहा था तो इसने उत्तर भारत के बहुत सारे शासकों को परास्त किया हुआ था। गजनवी बाय द वे आया कहां से था, तो मैं एक बार के लिए आपको मैप में इसे दिखा देता हूं।
एक मैप और मैं लेके आया हूं आपके लिए, पर वो वर्किंग नहीं है, शायद वो दिख नहीं पा रहा है। हाँ, इसको इसको देखें आप, ये देखिए मेरे प्यारे साथियों कि ये जो गजनवी एम्पायर था ये आया कहां से था। ये देखिए आपको वर्तमान में ये जो हिंदू कुश की पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ये कहां पर है वर्तमान में? अगर हम इसको भारत, ये भारत का मैप, और इसके पूछे पाकिस्तान, ये वाला अफगानिस्तान, यहां हिंदू कुश की पहाड़ियां अफगानिस्तान के आसपास, यहां एक क्षेत्र है जिसका नाम है गजनी। यहां से गजनी चला था पूरे देश पर, यानी सिंधु वाले क्षेत्र में अटैक करने। तो 1001 एडी में उसने पंजाब, उज्जैन, ग्वालियर, कलिंग, कन्नौज और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसने बहुत सारी प्रमुख सिटीज जैसे नागरकोट, मुल्तान, अलवर, थानेश्वर, मथुरा, सोमनाथ, इन पर भी अटैक किया था और इन पर अपना शासन कर लिया था। तो उस गजनी को इस तरफ, यानी पूर्वी भारत की तरफ बढ़ने से रोकने वाले राजा के रूप में कंसीडर किया जाता है। किन्हें? इन महाराजा सुहेल देव को। तो सुहेल देव जो यहां से, अच्छा कहते हैं कि गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो वो उस समय की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं के साथ आक्रमण करने आया था, यानी कि उसका जो मतलब जो असलहा था या फिर जिस प्रकार के संसाधनों से वो अटैक करने चल के आया था, वो उस समय के लिहाज से बहुत ही उन्नत श्रेणी के श्रेष्ठ साधनों को लेकर के वो अटैक करने यहां आया था। और तुलनात्मक रूप से जो बड़े किंगडम थे उन्होंने उसे चुनौती नहीं दी, लेकिन एक बहुत ही छोटे से किंगडम में रहने वाले राजा, बहराइच के राजा ने उसके भांजे को युद्ध में हरा दिया। उनका जो 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 गजनी था उसका जो भांजा था, उस भांजे का नाम था मेरे प्यारे साथियों सालार मसूद। याद कर लीजिएगा इस तथ्य को मेरे प्यारे साथियों, सालार मसूद नामक मेरे प्यारे साथियों इसका भांजा था, जो गजनी की सेना लेके बहराइच और श्रावस्ती वाले एरिया को जीतने चला था। सेना गजनी की ही थी जिसने संपूर्ण क्षेत्र पर कब्जा किया था, उसी सेना को लेकर के वो इस क्षेत्र में विजय करने निकला था। और विजय करते समय उसे यहां पर जो चुनौती मिली महाराजा सुहेल देव के द्वारा, उस चुनौती से वो बुरी तरह जख्मी हो गया और फिर यहीं पर मेरे प्यारे साथियों उसकी मृत्यु हो गई। अब इस बात के प्रमाण क्या हैं, कौन सी ऐतिहासिक बातों में इसे लिखा गया है, अब प्रमाण की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों 1620 ईस्वी में, अब इस पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में संभव है कि आपसे यह पुस्तक भी पूछी जाए। 1620 ईस्वी में चिश्ती ने, आप इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, जहांगीर के दरबार में, अब देखिए 1620 लिखा है तो ये 17वीं सदी कंसीडर की जाएगी। तो मुगल राजा थे जहांगीर, जहांगीर के दरबार में एक लेखक हुआ करते थे अब्दुल रहमान चिश्ती। अब्दुल रहमान चिश्ती के द्वारा 1620 में किताब लिखी गई जिसका नाम है मिरात ए मसूदी। इस नाम को ध्यान से सुनिएगा, इस किताब का नाम है मिरात ए मसूदी। उस किताब में चिश्ती ने इनके बारे में व्याख्यान लिखे। अब आप पूछेंगे, एक मिनट सर, घटना 1033 की है, लगभग 600 साल बाद उसके ऊपर किताब लिखी जा रही है, इसकी प्रामाणिकता को कैसे माना जा सकता है? मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई किताब को भी इसी प्रकार से पद्मावत मूवी के दौरान, जो पद्मावती वाला इंसिडेंट पढ़ते हैं आप, उस समय भी आपने उसको एक तथ्य के रूप में स्वीकारा है। इतिहासों की जो लेखन है ये बाद में हो सकता है कि, देखिए पहले बातें किंवदंतियों में, चर्चाओं में तो रहती हैं, लेकिन इनका लेखन कर दिया जाता है तो ही प्रमाणिकता हम लोग मानते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो बात किताबों में नहीं है वो सत्य नहीं है। हो सकता है कि सत्य की तुलना में उसका मतलब महागान करके उसे थोड़ा भव्य बनाया गया हो या उसको थोड़ा निम्न दिखाया गया हो, लेकिन बातें तो उपस्थित रहती हैं। और ऐसी स्थिति में जहांगीर ने मिरात ए मसूदी लिखी। अब आप पूछेंगे तो जहांगीर मतलब जहांगीर के समय पर जो अब्दुल रहमान चिश्ती है उसने मिरात ए मसूदी लिखी, तो चिश्ती के द्वारा लिखी गई पुस्तक में सुहेल देव की प्रशंसा लिखी गई थी क्या? जी नहीं, प्रशंसा मसूद की लिखी गई थी, लेकिन मसूद की यात्रा का अंत भी तो लिखना था, तो यात्रा का अंत मेरे प्यारे साथियों बहराइच में लिखा गया। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। और उसमें वास्तविकता में तो यह प्रशंसा लिख रहे थे कि उसका विजय रथ इतना चलता जा रहा था, लेकिन कब तक? जब तक सुहेल देव उनकी यात्रा में नहीं आए थे। तो सुहेल देव जो है उनको प्रमाणिकता मिलती है जहांगीर के दौर के एक लेखक से। नंबर दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों वो है यहां पर बना हुआ एक मजार। मेरे प्यारे साथियों, बहराइच के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बैकुंठा, वहां पर एक मजार बनी हुई है।
वो मजार भी मेरे प्यारे साथियों इसी भांजे की है जिसका नाम है मसूद गजनवी। क्लियर, ये गजनवी का भांजा था जो सुहेल देव को हराने यहां आया था। तो सुहेल देव के कारण जो व्यक्ति जख्मी हुआ वो यहीं पर मरा और उसकी मजार बन गई। अब मजार के पीछे तथ्य ये दिया जाता है कि ये सैयद सलार मसूद गाजी की मतलब मजार है, और इस मजार के पीछे तथ्य मतलब यहां के यहां इस मजार पर, इस मजार पर बहुत सारे लोग जाते भी हैं अपने द्वारा मतलब अपनी वो करने के लिए, अरदास लगाने के लिए, और लोग कहते हैं कि यहां पर उसने पहले ही बता दिया था कि मैं यहां मरूंगा, इसलिए उस याद में इस मजार को स्थापित किया गया था। तो अब इस बात को लेकर के काफी ज्यादा द्वंद्व रहता है कि ये उनके द्वारा प्रीप्लांड मौत थी जिसको आपने यहां पर दिखाया गया है, या फिर उनको सुहेल देव जी के द्वारा युद्ध में पराजित किया गया था जो यहीं पर जख्मी हो गया और उनके सेवकों ने उनकी यहीं पर कब्र बना दी और वहां दफना दिया। तो वर्तमान में मेरे प्यारे साथियों यहां पर एक बड़ा उर्स भी भरता है, एक बड़ा सम्मेलन भी यहां पर आयोजित किया जाता है जिसमें दोनों ही धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग जाते हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने अपने द्वारा लिखे गए लेखों में इस बात को लिखा है कि बहराइच पर आक्रमण करने आए हुए ये सेना बहुत बड़ी सेना थी, और तुलनात्मक रूप से बहराइच के राजा और स्पेशली श्रावस्ती के राजा जो सुहेल देव थे उनसे बहुत तुलनात्मक रूप से बड़ी सेना थी। लेकिन इतिहास में चूंकि यह घटना बहुत छोटी थी और जो किंगडम हमेशा रहे वो इस चीज की प्रशंसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्हें इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला। यह तो हुआ ऐतिहासिकता की बात। अब बात करते हैं वर्तमान की। वर्तमान में आप लोग अगर देखें तो मैंने एक जाति का नाम यहां लिखा है और वो है राजभर। मेरे प्यारे साथियों राजभर जो जाति है वो मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 18% है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राजभर समेत 17 जातियों को ओबीसी से शेड्यूल कास्ट में शिफ्ट किया गया है। शेड्यूल कास्ट के आरक्षण के तहत उन्हें लाभ मिलेंगे, ऐसा स्टेट लेवल पर कार्य किया गया है। और मैं आपको यह बता दूं कि इन्हें मेरे प्यारे साथियों 17 अति पिछड़ी जातियों में शामिल किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि क्या यह राजभर जाति के थे? अब मैं आपको बताता हूं, इस बात को लेकर के भी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विवाद चलता है कि राजा सुहेल देव जो थे वो राजभर थे या राजपूत थे। अब इसको लेकर के अगर हम तथ्यों की बात करें तो जिस किताब को इसका आधार माना गया है वो थी मिरात ए मसूदी। मिरात ए मसूदी में क्या लिखा गया, चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। मिरात ए मसूदी में सुहेल देव को भरथरू समुदाय का माना गया है। किस समुदाय का माना गया है? भरथरू। तो ये जो शब्द है इसे आप पकड़ के चलें, इन्हें भरथरू समुदाय का माना गया है। और फिर बहुत सारे लोगों ने, बाद के इतिहासकारों ने इन्हें मेरे प्यारे साथियों भर राजपूत, राजभर, बैस राजपूत, पांडव वंशी तोमर, जैन राजपूत और तरह तरह की जातियों में इनका बताया है कि ये इस जाति से बिलोंग करते थे। तो अब वर्तमान में क्या है, वर्तमान का इसका परिपेक्ष यही है मेरे प्यारे साथियों कि जो भी सरकारें हैं वो सरकारें वर्तमान परिपेक्ष में इस जाति का क्या उपयोग करती हैं, ये उनके राजनीतिक बातें हो सकती हैं। हमारा जो आप तक पहुंचाने का था तथ्य वो था कि राजा सुहेल देव कौन थे, और इनका वर्तमान में जो परिपेक्ष में बात लिखी गई है वो शुरुआती ट्वीट्स में जो मैंने आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के दिखाए उनसे आपके मन में कुछ पिक्चर स्पष्ट रूप से जरूर क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए आप इस सेशन को लाइक कर दें, अपने साथियों से इसे जरूर शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए 20 और 21 तारीख को अनअकैडमी एक ग्रांड सेमिनार करने जा रहा है जिसमें आप में उन सवालों का जवाब मिलेगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों करूं, मैं वर्किंग हूं तो तैयारी कैसे करूं, मुझे हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती है तो मैं तैयारी कैसे करूं। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए आपको 20 और 21 फरवरी को एक सेमिनार अनअकैडमी के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट ली जा रही है जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहां मेरा रेफरल कोड अंकित10 लगा करके मेरे प्यारे साथियों उस सेशन में एंट्री कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों यहां पर बहुत सारे स्पीकर्स इंक्लूडिंग भारत के जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद वो भी यहां पर उपस्थित होंगे, कैलाश सत्यार्थी, और हां राज्यसभा टीवी पर आपको सामान्यतया दिखाई देने वाले फ्रैंक रोशन परेरा, साथ में दीपक गुप्ता जो कि पहले यूपीएससी के चेयरमैन रह चुके हैं, जयंत राजेश, तमाम प्रकार के डिग्निटरीज उपस्थित होंगी जो आपको बताएंगी कि किस प्रकार से आपके लिए यूपीएससी की तैयारी करना आसान है। अगर आप मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो
तो मेरे पेड कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके एक साल की फीस में 10% डिस्काउंट प्राप्त करके मात्र 44,000 रुपए में अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर 70 से अधिक आपको ब्यूरोक्रेट्स अपना कोर्स पढ़ाते हैं। एक हमारे पास स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम और है, जिसमें यूपीएससी क्वालिफाइड बच्चों के द्वारा आपको मेरे प्यारे साथियों मेंटरशिप उपलब्ध कराई जाती है। यह मेंटरशिप आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों एक साल के लिए मात्र 67,000 रुपए में उपलब्ध है, जिसमें गाइडेंस के साथ साथ कोर्स भी उपलब्ध कराया जाता है। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, मेरे द्वारा ली जा रही स्पेशल क्लासेस और पेड क्लासेस के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। फ्री स्पेशल क्लास के लिए आप मेरे साथ सुबह 10 बजे मिल सकते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को आज इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स और स्ट्रेट्स ऑफ वर्ल्ड पढ़ाने वाला हूं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।